हेलो व्यूअर्स, पीसीएस इन शॉर्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज हम बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना की। चलिए जानते हैं कि ये हालिया खबर में क्यों है। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लक्ष्य को कवर कर लिया है। चलिए अब जानते हैं कि ये पीएम स्वनिधि क्या है। इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभान्वित करना है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। ये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये योजना मार्च 2022 तक वैध थी, जिसे अब दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों के व्यवसाय को पुनः शुरू करने हेतु बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। पीएम स्वनिधि द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा है। इस योजना के तहत शुरुआत में 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य या यूएलबी जिम्मेदार है। इसकी पात्रता की बात करते हैं तो शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आय विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये संस्थाएं हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और SHG बैंक आदि। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। पीएम स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। और दूसरा कथन, इसके तहत 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक और न ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Thank you.